के चले जाओ, पैसे की जरूरत नहीं है। तो मेहनत ये रहा ताले। नहीं बनाना है तो हमें दे सकते हो, हम जाके घर पे बनाएंगे। सर अभी हल्दी जा रहा है, देखिए पहले हम ऑयल से मसला देते हो। तो इतना सारा मच्छी है भैया ने हमें दे दिया है, अभी जिंदा है ये। तो भैया को हमने रिक्वेस्ट किया कि भैया कल से आए अभी तक मच्छी नहीं खाया तो हमें थोड़ा मच्छी दे दीजिए। तो भैया ने बोला आप ऐसे ही लेके चले जाओ, पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मेहनत होता है इसमें, क्योंकि 10-15 मिनट यहाँ पे बैठना पड़ता है तब जाके मच्छी मिलता है, ऐसे तो ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं लेना है, बट लेके जाना है। भैया क्या नाम है आपका? सुमन भाई। सुमन तो बागदी है नाम, यहीं पे रहते हो ना आप सामने ये गांव में? यहीं पे रहता है भैया। और ये ऐसे ही शौक के लिए आ गया, कोई मच्छी पकड़ना पैसा वैसा नहीं है? नहीं, ऐसे ही शौक के लिए ही आ गया ना। फिर तो थोड़ा सा मच्छी वगैरह पकड़ना है, घर पे खाना है बस। तो बढ़िया है, तो देखते हैं ये मच्छी घर ले जाएंगे अभी, तो इसे बनाएंगे। तो देखते हैं ये मच्छी घर ले जाएंगे अभी बनाएंगे। कितना सारा है, बाप रे बाप, इतना सारा मच्छी है। ये मच्छी घर पे ले जाके बनाएंगे और इसका रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं घर पे। तो पन्नी लेके आ गया? हाँ। इसने दिया ये पन्नी, इसका पैंट भी खुल गया। तो मच्छी को इसके अंदर ले लेते सारा, एकदम जिंदा मच्छी है। मम्मी ये देखो, कल हम आए हैं तो आज ये इतना सारा मच्छी है। तो भाई को बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको नहीं चाहिए, घर पे नहीं बनाना है तो हमें दे सकते हो, हम जाके घर पे बनाएंगे। पैसा देता हूँ, नहीं। अरे पैसा लो यार, बिना पैसे में थोड़ी लेंगे। ये होता है गांव का इंसान का दिलेरी, देख लो फ्री में दे रहा है मच्छी। और हालांकि इसने 10 मिनट तक यहाँ पे बैठ के मच्छी पकड़ा है यहाँ पे, ये देखो। ये छोटो नदीटार मध्य माछ আছে, এটা তো নদীর ছোট তো একটা পানি না, छोटा सा है नदी, तो एक्चुअली उस तरफ है ना। तो यहाँ पे भी मछली, वाह। कौन सा मच्छी है ये? खोयरा मच्छी। खोयरा मच्छी। ए भाई कितना टाइम लगा ये सारा मच्छी आने में? 10 मिनट। 10 मिनट में इतना अच्छा? अरे बाप रे बाप, 10 मिनट में कितना सारा मच्छी मिल गया? कम से कम 200-300 ग्राम तो होगा ही। वाह, ये गुलो की बेच भी है? ये गुलो ना ये से ही कटो माछ। ये कटाई, अल्प कटाई दिए दा ताले। वाह, कत ना वाह, कत लिबे बोलो? अरे फ्री में दे। ये सारा जिंदा मच्छी है, ये अभी ले जाएंगे घर पे बनाएंगे। तो देखो मम्मी, ये देखो ये सारा जिंदा मच्छी, और जो ये भैया ने पकड़ा है हमें दिया है, अभी बोल रहा है फ्री में ले जाओ, लेकिन हम फ्री में नहीं लेंगे, किसी का मेहनत है। तो ये घर पे ले जाके बनाएंगे, तो इसका रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए अब देखो कितना सारा मच्छी। बारी जाती माछ नहीं है, माछ मच्छी लेकर ये आखिर जान तो माछे रेसिपी बनाओ। चटकरी कोटा का दिलाम, मतलब कितना पैसा दिया वो शेयर नहीं कर सकता, सीक्रेट है, क्योंकि बहुत सारा पैसा दिया, इतना तिजोरी भर के पैसा दिया ना भाई। हाँ। उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन भाई बंदा बहुत एक नंबर का है, एक भी पैसा नहीं लिया। बोल रहा है भाई पैसा नहीं लेना है, आप ऐसे ही ले जाओ। कम से कम इसमें आधा किलो मच्छी होगा, आधा किलो से भी ज्यादा होगा भाई। ये होता है गाँव के इंसान का दिलेरी। मिलते आपको घर पे। तो फाइनली जो हम नदी से जो मच्छी लेके आए हैं,
वही मच्छी अभी हम उसका रेसिपी बना रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो हम यहाँ पे आलू को कट कर रहे हैं, उस थोड़ा सा बैंगन, एकदम नदी का मच्छी है तो इसलिए इतना चमक रहा है। यहाँ पे वेजिटेबल कटिंग चल रहा है। पीट के सारा रेडी हो गया है यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी इसको धो के फिर रेसिपी आपको दिखाते हैं। इसमें हल्दी जा रहा है, नमक, अब इसके अंदर ऑयल जा चुका है, इसके अंदर काली मिर्च जा रहा है। एक्शन। वेजिटेबल में मूली है, बैगन है और आलू है और मोरी। इसमें ऑयल थोड़ा ज्यादा लगता है, अभी ये फ्राई होगा कुछ देर तक, उसके बाद इसके अंदर मच्छी जाएगा। अंदर अभी हल्दी जा रहा है, देखिए। पहले हम ऑयल से अच्छे से इसको फ्राई कर चुके हैं, लाल मिर्च, अब नमक जा रहा है इसमें 3 स्पून छोटा, कसा कसा करो बोले दिए थे, कसा कसा बनाते। और ये एकदम जिंदा मच्छी है भाई, एकदम जिंदा मच्छी, एकदम जानते हैं। এপর এটাকে ঢেকে কিছুক্ষণ হবে, ঢেকে 2 মিনিট রাখতে হবে। তো ইসমে আবি অয়েল ছোড় চুকা হ্যায়, ভাই তেল ছেড়ে দিয়েছে না, আব ইসমে পানি মিলা রহে হ্যায় হম। কচুরি, মাছের ঝাল, আজকে পেট ভরে খাবো। কে হচ্ছে মাছের ঝাল খাবো পেট ভরে। সাবস্ক্রাইব, লাইক, সাবস্ক্রাইব আর বেল বাটন। আরে ভাই, থাম্বস শেয়ার। হয়ে গেছে আমাদের তরকারি। আপনি নেই হুয়া, আপনি ইসকো আর सही तरीके से करना है, उसके बाद मसाला देते हो। तो गाइस ये अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इसमें से अभी ये धनिया पत्ता जाएगा बस, और कुछ नहीं। इसके बाद ट्राई करके आपको बताते हैं कि कैसा लगा।
तो हो गया ना ये कंप्लीट। এখন হয়ে গেছে, এখন খেয়ে বলবো কেমন হয়েছে। হ্যাঁ ভাই, খেয়ে কি বলবো? খেয়ে কেমন হয়েছে তা বলবো। আমরা আজকে চচ্চড়িটা খাবো, কেমন আছে আপনাদেরকে বলবো। এই নদীর টাটকা মাছ বেরোচ্ছে না। আজকে আমরা নদীর টাটকা মাছ চচ্চড়ি করে খাবো, কেমন হয়েছে আপনাদেরকে বলবো। লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব, বেল বাটনটা টিপে দেবেন না যদি যান। আমি